आज सुन रही आज निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी डंडा हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है, मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है, सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारा है। क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मैं मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई, मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिसे मैं चलता हूँ, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। हमला हुआ है ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया, और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ।